जब निराकारी स्टेज बन जाती है, आत्मिक स्टेज बन जाती है, आत्मा निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु कि उसकी लंबाई चौड़ाई माप तो है ही नहीं, तो वो निराकार बनी हुई आत्मा स्थिर बुद्धि हो जाती है, निराकारी स्टेज में आत्मिक स्मृति में टिक जाती है। देह और देह के पांच तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं, उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता, लेकिन है तो योगी नंबर वन। एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती हो। तो बात तो सच्ची ये है कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भगवान होता ही नहीं, उसमें मन चंचल होता है, है? वो चंचल मन जब एकाग्र हो जाए ज्योति बिंदु आत्मा पर, तब उसे कहेंगे निसंकल्प। कोई संकल्पना आए सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा के। इसलिए गीता में लिखा है नहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या कहा? संकल्प विकल्प जब तक बुद्धि में चलते हैं तब तक योगी है कि भोगी है? भोगी। पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य के हिसाब किताब आत्मा में हैं वो चुकतू नहीं किए हैं, तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संकल्पों के रूप में तो जरूर आएंगे, वाचा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मणा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो मूल है संकल्प, बीज है संकल्प। संकल्प मात्र ही खत्म हो जाए, क्या कोई संकल्प ना आए, ऐसी निरंतर स्टेज बन जाए तो कहेंगे योगी। तो ऐसा योगी उसको फिर मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मन चलाए मन है ही नहीं। जिनको मन होता है उनको मनुष्य कहा जाता है, मन मनु की औलाद, जिस मनु ने बहुत मनन चिंतन मंथन किया तो औलाद भी वैसी ही होगी। तो देखो न मनुष्य अपनी सदगति कर सकता है न दूसरों की कर सकता है, न उनकी कर सकता है जो उनके सत्संग में आ करके बैठते हैं, क्योंकि गाया ही जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। क्या सर्व का सदगति दाता